हाँ मैं यूजुअली इवनिंग वॉक्स के लिए आती हूँ, बट अभी जो कंडीशन है लेक की उसके अकॉर्डिंग तो बहुत टाइम से नहीं आ रहे हैं लेक पे। बच्चे भी यहाँ पे साइकिलिंग बहुत करते थे तो दे हैव अवॉइडेड बिकॉज ऑफ यहाँ पे इतनी गैसेस, टॉक्सिक गैसेस रिलीज हो रही हैं कि तो बच्चे के लिए बहुत डिफिकल्ट है। दिक्कत ये आ रही है कि सांप इतने ज़्यादा हो गए हैं और रैट्स इतने ज़्यादा है कि घरों के अंदर घुस रहे हैं, और दहशत इतनी ज़्यादा है कि अपनी गाड़ी तक आने में भी हमें डर लगता है। सर ये जो पहले बारिश हुई थी सबसे फर्स्ट 15 तारीख समथिंग, उसमें इतना पानी ज़्यादा आ गया था, उसके बाद बारिश में पानी इतना नहीं आ रहा है, बट इसका लेवल नहीं गिर रहा है जिससे कि हमारा फुटपाथ है ब्लॉक है अभी। लेक का पानी अपनी हद को पार करके 2-3 फुट 3 फुट ऊपर पटरियों के ऊपर आ गया, फुटपाथ के ऊपर। उस फुटपाथ पे रेजिडेंट्स वॉक करते हैं। आज उस फुटपाथ पे इतनी काई और इतने मच्छर और इतनी गंदगी है कि अगर वो ठीक ना हुई तो भयंकर बीमारियों के शिकार हो जाएंगे रेजिडेंट्स। जो ये क्योंकि ये लेक एमसीडी की है और नॉर्थ एमसीडी के जो डायरेक्टर हैं वो उन्होंने विजिट भी करा था यहाँ पर। विजिट करने के बाद भी उन्होंने कोई पानी को निकालने के लिए पंप की परमिशन नहीं दी, जिसके कारण ये इतनी बुरी कंडीशन हो गई। पिछले 15 दिन में पंप को ना निकालना एक लापरवाही को ही डिनोट करता है। इधर तो भाई साहब कुछ भी नहीं है, अगर आप उस साइड पे देखेंगे तो मेरे ख्याल से एक एक फुट आई है, तो फुटपाथ के ऊपर आई हुई है। कंप्लेन तो हमने अपने लारा एसोसिएशन के सेक्रेटरी साहब से और प्रेसिडेंट जी से कंप्लेन करी थी। अब वो क्या एक्शन ले रहे हैं, वो उन्होंने उनकी तरफ से एक रिपोर्ट आई थी कि भाई उन्होंने एक्शन तो लिया है मगर और 2-4 दिन में इसको रिजॉल्व करा जाएगा।